HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉलीवुड कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने एक्शन हीरो के नाम पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन 80 के दशक में एक ऐसा एक्टर जिसके एक एक्शन पर सिनेमा घरों में सीटियां बजने लगती थी। जी हां, कहा जाता है कि जब सनी देओल किसी एक्शन या फिर डायलॉग बोलना शुरू करते, दर्शक सीटियां बजाना शुरू कर देती थे। सिनेमा जगत में अपने जबरदस्त एक्शन के लिए मशहूर सनी देओल बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के बड़े बेटे हैं। सनी ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत बेताब फिल्म से की, जो सुपरहिट रही। साल 1996 में आई जीत और घातक को भी जबरदस्त सफलता मिली। घायल और घातक से सनी ने बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों पर अपना कब्जा जमा लिया। 2001 में आई गद्दर एक प्रेम कथा सनी के करियर की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। गदर एक प्रेम कथा फिल्म की सफलता के बाद कई पाकिस्तानी एक्ट्रेस से इसका मानना था कि भारत में कोई मर्द हीरो है तो वो सनी देओल ही है। पंजाबी परिवार से जन्मे सनी ने 2 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं। सनी देओल अपनी दमदार आवाज के लिए भी हमेशा से ही जाने जाते रहे हैं।